हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की एक विषय फार्मिंग सिस्टम प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एजी 601 का तीसरा लेक्चर कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले मैंने दो लेक्चर करा दिया है और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ सिस्टम एंड फार्मिंग सिस्टम के बारे में, उसको फैक्टर के बारे में। तो मैंने हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा था सेकंड लेक्चर में। आज का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है और यदि आप लोगों ने दो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग यहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो आज के लेक्चर का टाइटल है फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट एंड देयर मेंटेनेंस। ठीक है, फार्मिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट है उसके बारे में लिखना है और इसके मेंटेनेंस के बारे में लिखना है। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, फार्मिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो कई प्रकार का, इसमें से एक स्पेशलाइज्ड फार्मिंग था और एक आप लोगों का डाइवर्सिफाइड फार्मिंग था, मिक्सड फार्मिंग था, ड्राई फार्मिंग था। तो जैसे विभिन्न प्रकार के फार्मिंग है, सब कुछ मैंने कल बताया हुआ है, उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट एंड देयर मेंटेनेंस। तो सबसे पहले जानेंगे फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट क्या होता है। फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट की बात यदि करें तो फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट क्या होता है। तो देखिए, एक फार्म होता है, ठीक है, एक खेत होता है, उस खेत की कुछ फैमिली होती है। फैमिली मतलब क्या हो गया, मिट्टी हो गई, ठीक है, फसल हो गई, पानी हो गई, पशुधन हो गई, लेबर हो गए, ठीक है, और भी जो अदर रिसोर्सेस है, ये सब मिलकर क्या हो गया, एक कंपोनेंट हो गया। मैं थोड़ा समझाऊंगा। देखिए, एक मान लीजिए फार्म है, ठीक है, या एक फार्म है या फार्म फैमिली है, फार्म फैमिली, ठीक है। तो इसके मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, तो फार्म के लिए सबसे जरूरी है क्रॉप, सॉरी सबसे जरूरी है सॉयल, ठीक है। सबसे पहले क्या जरूरी है, सॉयल, सॉयल के बाद क्या जरूरी है, क्रॉप, उसके बाद वाटर, ठीक है, लिव स्टॉक, लेबर और अदर रिसोर्सेज, मतलब सब ये जो मैंने आपको बताया, सॉयल, वाटर, क्रॉप, लिव स्टॉक, लेबर और अदर रिसोर्सेज, यही सब क्या है, यही सब कंपोनेंट है किसके, फार्मिंग सिस्टम को। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। चलिए देखते हैं फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट। तो क्रॉप, सॉयल, वाटर, लाइव स्टॉक, फार्म मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसको भी बोल सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था अदर रिसोर्सेस, तो अदर रिसोर्सेस में आपका ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब अदर रिसोर्सेज में आ जाएंगे, बट मैंने यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग करके बता दिया है और सभी के बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सभी के बारे में। तो एक जो कृषि प्रणाली होती है विभिन्न घटकों से बनी होती है जो टिकाऊ कृषि प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इन घटकों में शामिल विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं, इसमें पहला है फसल। तो कृषि प्रणाली में उगाई जाने वाली फसलें किसानों के लिए भोजन और आय का प्राथमिक स्रोत होती है, ठीक है। जो कृषि प्रणाली में उगाई जाने वाली फसलें होती है वह किसानों के लिए भोजन और आय का प्राथमिक स्रोत होती है। फसल घटक को बनाए रखने के लिए किसानों को फसल चक्र, अंतर फसल और जैविक उर्वरकों के उपयोग जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं पशुधन, ठीक है, क्या पशुधन, लाइव स्टॉक। तो पशुधन फसल उत्पादन के लिए दूध, मांस और खाद प्रदान करके कृषि प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। पशुधन जो होता है यह दूध, मांस और खाद प्रदान करके कृषि प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुधन घटक को बनाए रखने के लिए किसानों को पर्याप्त चारा और पानी उपलब्ध कराने, टीकाकरण और उपचार के माध्यम से अच्छे पशु स्वास्थ्य को बनाए रखने और अतिचारण को रोकने के लिए चारागाह भूमि का प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। अगला है मिट्टी। तो मिट्टी किसी भी कृषि प्रणाली की नींव होती है और फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। मिट्टी के घटक को बनाए रखने के लिए किसानों को टिकाऊ मिट्टी प्रबंधन प्रथाओं जैसे संरक्षण, जुताई, कवर, फसलों का उपयोग और उर्वरकों और कीटनाशकों का उचित उपयोग करने को सकता है। देखिए आप लोग कोई परेशान मत होइए, देखिए जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को मिट्टी के बारे में, सॉइल के क्रॉप के बारे में, इन सभी को आप लोग थोड़ा थोड़ा बस जानते रहिए। यदि आपसे एग्जाम पूछा कंपोनेंट फार्मिंग सिस्टम का, तो आप लोग सिर्फ यही जो मैंने आप लोग बता दिया नाम ना, क्रॉप हो गया, सॉइल, वाटर, लाइव स्टॉक, फार्म मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर रिसोर्सेस, लेबर, तो आपको सिर्फ इतना ही लिख देना है। इतना तो मैं सिर्फ आप लोगों को जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कोई परेशान होने की बात नहीं है, बहुत छोटा सा वाला लेक्चर रहेगा आप लोगों का। आगे देखते हैं मिट्टी के बाद वाटर, पानी। तो पानी कृषि प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण घटक है और फसल वृद्धि और पशुधन उत्पादन के लिए आवश्यक है, ठीक है। पानी जो है कृषि प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण घटक है और फसल वृद्धि और पशुधन उत्पादन के लिए आवश्यक होता है।
जल घटक को बनाए रखने के लिए किसानों को कुशल सिंचाई विधियों, वर्षा जल संचयन और जल संसाधनों के उचित प्रबंधन जैसी टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाओं का उपयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखेंगे कृषि मशीनरीकरण। तो कुशल और प्रभावी खेती के लिए कृषि मशीनीकरण का उपकरण आवश्यक है। मशीनरी और उपकरण घटकों को बनाए रखने के लिए किसानों को उचित रख रखाव प्रक्रियाओं का पालन करने, नियमित सर्विसिंग सुनिश्चित करने और उचित सुरक्षा उपायों का उपयोग करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस। तो कृषि प्रणाली के मानव घटक में किसान, उनके परिवार के सदस्य और अन्य मजदूर शामिल होते हैं। ठीक है, मानव संसाधन में क्या आ गए, आपके लेबर भी आ गए। तो कृषि प्रणाली के मानव घटक में किसान, उनके परिवार के सदस्य और अन्य मजदूर शामिल हैं। मानव संसाधन घटक को बनाए रखने के लिए किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षण, उचित वेतन और सुरक्षित कार्य परिस्थितियां प्रदान करने की आवश्यकता है। सॉरी, फिर सुन लीजिएगा। तो मानव संसाधन, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेस। तो कृषि प्रणाली के मानव घटक में किसान, उनके परिवार के सदस्य और अन्य मजदूर शामिल होते हैं। मानव संसाधन घटक को बनाए रखने के लिए किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षण, उचित वेतन और सुरक्षित कार्य परिस्थितियां प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। आगे देखते हैं बुनियादी ढांचा, या इसको बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कृषि प्रणाली के बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर के घटकों में भवन, बाढ़, सड़कें और कृषि कार्यों के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के घटक को बनाए रखने के लिए किसानों को इन संरचनाओं का नियमित रख रखाव और मरम्मत सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। तो यह था आप लोगों का कंपोनेंट। ठीक है, इसका मेंटेनेंस कैसे करना है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चलिए देखते हैं मेंटेनेंस के बारे में। आप लोग यदि किसी भी लेक्चर में कोई भी टॉपिक न समझ में आए कहीं से भी, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को दोबारा बताया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो लेक्चर में था फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट एंड देयर मैनेजमेंट, सॉरी मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के बारे में जानते हैं। तो कृषि प्रणाली के विभिन्न घटकों को बनाए रखने के लिए किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, कृषि प्रणाली के विभिन्न घटकों को संतुलित मात्रा या बनाए रखने के लिए किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है, जो संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करे, अपशिष्ट को कम करे, अपशिष्ट मतलब वेस्ट मटेरियल, तो अपशिष्ट को कम करे और पर्यावरण की रक्षा करे। इसमें फसल चक्र, अंतर फसल, संरक्षण, जुताई और जैविक उर्वरकों का उपयोग जैसी प्रथाएं शामिल होती हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि कृषि प्रणाली के जो विभिन्न घटक हैं उनको बनाए रखने के लिए किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है, जो संसाधनों का कुशल रूप से उपयोग सुनिश्चित कर सके, अपशिष्ट को कम कर सके और पर्यावरण की रक्षा भी कर सके। इसमें फसल चक्र, अंतर फसल, संरक्षण, जुताई और जैविक उर्वरकों का उपयोग जैसी प्रथाएं भी शामिल है। आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरणों का उचित रख रखाव सुनिश्चित करने, मजदूरों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए मेंटेनेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, मेंटेनेंस इन सभी का कैसे रखना उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो हमने बताया शुरू में आप लोगों को कि कृषि प्रणाली के विभिन्न घटक जो हैं उनको बनाए रखने के लिए, उनको मेंटेन रखने के लिए किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों की अपनाने की आवश्यकता होती है, जो संसाधनों का कुशल रूप से उपयोग सुनिश्चित कर सके, अपशिष्ट को कम कर सके और पर्यावरण की रक्षा कर सके। इसमें फसल चक्र, अंतर फसल, संरक्षण, जुताई और जैविक उर्वरकों का उपयोग ऐसी विभिन्न प्रकार की प्रथाएं शामिल है। इसके अतिरिक्त किसानों को कृषि मशीनरी उपकरणों का उचित रख रखाव सुनिश्चित करने, मजदूरों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। इन घटकों के टिकाऊ प्रबंधन के माध्यम से किसान टिकाऊ कृषि प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आजीविका को सुधार सकते हैं। तो यह था इसका मेंटेनेंस। ठीक है, तो यह थे क्रॉप में फार्मिंग सिस्टम के कंपोनेंट और इसके मेंटेनेंस। थोड़ा सा क्रॉपिंग सिस्टम के कंपोनेंट का आप लोग दोबारा देखिएगा, मैंने थोड़ा ग्राफ के माध्यम से बनाया है। तो ये जो इसके कंपोनेंट है ना, इसको हम लोग फार्म फैमिली बोल सकते हैं। ठीक है, एक जो फार्म होता है, खेत होता है, उसकी फैमिली होती है ये सब का, क्या वाटर, क्रॉप, लाइव स्टॉक, लेबर, अदर रिसोर्स और सॉयल। तो ये सब क्या है, यही सब कंपोनेंट है किसके, फार्मिंग सिस्टम के। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर तीसरा वाला आपको अच्छे समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, 50 व्यूज हो जाएगा कम से कम, मिनिमम 50 व्यूज, तो इसके बाद अगला वीडियो बनाया जाएगा। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा भैया, शेयर करेंगे तो थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं भी और मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।